पढ़ा लिखा इतना बनिए ना किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। वो एग्जाम निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, किरदार में वो दम होना चाहिए। भारत में ऐसे बकलोलन की बहुत समस्या, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। APJ अब्दुल कलाम कभी PhD नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांग दे, उतना पढ़िए ना कि औकात ना हो किसी के कि पूछ सके। वो नहीं किए थे PhD नहीं किए थे। उनको PhD की जरूरत क्या है, कहे कि टाइम ही नहीं, हमको रिसर्च करना है। PhD करने के लिए कोर्स फॉलो कीजिए, ये नियम कानून थेसिस जमा कीजिए, बहुत सारा झमेला। कहे कि टाइम नहीं है हमारे पास उतना। उन्हें PhD की उपाधि दे दी गई थी, लेकिन PhD किए नहीं थे। अगर कोई नेता या कोई नॉर्मल व्यक्ति बिना PhD की अगर डॉक्टर लगा दे, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और आज हम आपको बता रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम PhD नहीं किए थे, फिर भी आप गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या व्यक्ति थे। तो किरदार में वो दम होना चाहिए कि आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होना चाहिए। समझा? भीमराव अम्बेडकर साहब इतनी डिग्री थी कि हम तुमको अपने पास से भी मंगा के भगा देंगे ना कि हयो यो डिग्री आते तो आप मान लेंगे। हाँ भाई, बहुत विद्वान आदमी तो हुआ ही होगा यहाँ पे, नहीं समझे? इतना पढ़े लिखे थे। तो जब भी पढ़ा लिखा रहिए तो आपके किरदार से आना चाहिए। एक जगह हम गए थे, नहीं कभी किसी शादी ब्याह इतने आदमी जाता है, तो एक लड़का था, बार बार कह रहा था सर हम आपको बहुत देखते हैं, वीडियो देखते हैं हम अभी आपका, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर कुछ दूर मतलब 5 मिनट में वो लगभग 15 बार बोला कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बार बार ये सब करके हम यही सब कुछ ऑनलाइन ये सब काम करते हैं, ट्रेडिंग व्रेडिंग कर लेते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बार बार करने लगा। उसके बाद से बैठे थे वहाँ पे, तो खोपड़िया पे चढ़ के कर रहा है सर देखिए तो स्माइल कीजिए। हम मना कर रहे हैं उसको, भाई तुम आदमी कुछ काम। 10 बार बोला, जब कुछ बोले उसके बाद कहे हम पढ़े लिखे नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया। हम कहे यार तुम बात पे फोकस करना, तुम्हारा फोकस इस बात पे कि तुम पढ़ा लिखा नहीं हो। अब हमारा बर्दाश्त हुआ नहीं। हम लिहाज कर रहे थे कि हम किसी के यहाँ शादी में आए, किसी को कितना बोले हम, कुछ चढ़ गया यहाँ पे। हम बोले देखिए आप बार बार बता रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, देख के लगता है आपको। शांत हो गया यहाँ पे। आप पढ़े लिखे हैं तो बिहेव होना चाहिए उस तरह का पढ़े लिखे, समझ में आ कि नहीं गया? ई ना कि चल गए एग्जाम देने रेलवे प्लेटफॉर्म पे, को भूजा ले लिया, 3 नंबर पे आना था अलाउंस कर दिया, 4 नंबर पे आएगा, बताओ जाएंगे भूजा छिटा जाएगा। अरे खाने पीने की चीजें हैं, आराम से इत्मीनान से देखो। आप देखिएगा इस सब टाइप का, भारत में ऐसे बकलोलन की बहुत समस्या है। गंध मचा के रखा है वहां पे, कहीं गुटखा खा के थूक देगा, खाएगा कहीं फेंक देगा पटरी पे। तो आप लोग को पढ़े लिखे हैं तो एग्जाम निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। यहाँ पे बिहेव उस तरह से होना चाहिए, किरदार उस लेवल का होना चाहिए।